उत्तराखंड सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर आज चमोली पहुंचे। चमोली पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। टीजी कॉलेज गोपेश्वर के जिम हॉल में आयोजित बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। अपने बीच युवा मुख्यमंत्री को पाकर भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए युवाओं को पार्टी की रीढ़ बताया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ तक कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यकर्ताओं की बूथ पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। कार्यसमिति की बैठक से युवाओं का आह्वान करते हुए जनवरी से जनवरी तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचने कहा, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। वहीं कॉलेज के सभागार में आयोजित जनता दरबार में उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना और मौके पर अधिकारियों को समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, थराली विधायक मुन्नी देवी शाह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, युवा मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी आदि मौजूद थे। उसके परिवेश में चाहे कोई युग रहा, उसमें युवा नौजवानों की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। चाहे राम का युग रहा हो, चाहे भगवान कृष्ण का युग रहा हो, हर युग में, और चाहे हमारा उत्तराखंड बना है, उसमें भी नौजवानों ने, युवाओं ने उत्तराखंड बनाने का काम किया। तो निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारा 25 साल का जब ये प्रदेश होगा तो हर क्षेत्र में ये देश का अग्रणी प्रदेश होगा, आदर्श प्रदेश होगा, नंबर वन प्रदेश होगा। उसके लिए मैंने युवाओं का आह्वान किया। गोपेश्वर विश्वविद्यालय कैंपस को लेकर घोषणा भी हुई थी और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा था, और उसके बाद अब ऋषिकेश में जहाँ पद भी भर दिए गए हैं और कैंपस का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, तो चमोली के युवा किस तरीके से देखें कि आगे क्या विश्वविद्यालय को कैंपस को लेकर? सीमांत जनपद से ऋषिकेश की ओर शिफ्ट हो रहा है। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपने ये मेरे संज्ञान में पहले भी आ गया है। अच्छा वातावरण है, मजबूत संगठन है। जनता के बीच में 5 साल तक हमने 5 साल के बड़े काम किए हैं, युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, सरकार पारदर्शी सरकार रही है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ, हमारे पास दुनिया का सबसे मजबूत नेता जो हमारा नेतृत्व कर रहा है नरेंद्र मोदी जी, हमारे पास है। इस सबके आधार पर हम लोग 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करते हैं, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े। और आज हमने युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया है कि आप ताकत के साथ रहिए, युवा मोर्चे को अधिक से अधिक भागीदारी भी सुनिश्चित हो, इसकी चिंता हम लोग करेंगे और आप इस काम में लगे बनाकर और लक्ष्य की तरफ बढ़िए। अध्यक्ष के रूप में ये दायित्व लेने के बाद पहली बार मैं चमोली आती हूँ और भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है, आप देखेंगे कई पार्टियाँ मैदान तक सीमित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक बूथ है, चाहे वो धारचूला का कोई गांव हो, चाहे उत्तरकाशी मंडी, हर कोने में आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिलेगा। और जिस तरीके से युवा आज एक ऊर्जा उनके अंदर आई है, पुष्कर सिंह धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से, तो मुझे लगता है जो एक मंत्र हमें दिया है कि अगली बार साथ पाए, जितने भी युवा आज इस कार्यसमिति में आयोजित हैं, हर युवा का अपने अपने क्षेत्र में बहुत दमखम पकड़ रखता है और युवाओं के बीच में लगातार काम करता आ रहा है, कोरोना काल में भी लगातार संघर्ष करते हुए सेवा के काम करते हुए आगे बढ़ते आ रहे हैं, तो निश्चित ही इसका परिणाम हम अगले साल देखेंगे और अगली बार 60 पार को पूरी तरीके से पूरा कर पाएंगे।